आज ग्वालियर के डीवी मॉल में स्थित आईनॉक्स सिनेमा में ग्वालियर के बहुत सारे संभ्रांत नागरिक, समाजसेवी, पत्रकार बंधु द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने आए थे। इसका आयोजन हम सब ने मिलकर किया था। जैसा कि हम जब जानते हैं, पूरे देश भर में द कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया है। जैसा कि फिल्म को देखने से पता लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, उस समय के शासन प्रशासन ने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सच पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की गई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार से ये मूवी में 3 घंटे का शो था, 3 घंटे में जिस प्रकार से कोई बर्बरता हुई, उसको बहुत विस्तृत तरीके से बताने की कोशिश हुई है। और मुझे लगता है कि जैसा कि मैं खुद भी आज 33 ईयर का हूँ, मुझे भी शायद कुछ बातें नहीं पता थी, सिर्फ इतना पता था क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमेशा कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है कि उनके साथ गलत हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से विस्तृत घटनाएँ देखने को मिली, वो मतलब झकझोर देने वाली घटनाएँ थी। और ये दुर्भाग्य रहा कि उस समय देश के लोगों का साथ शायद जानकारी के अभाव में कश्मीरी पंडितों को नहीं मिल पाया, और यही कारण रहा कि कश्मीरी पंडित आज कश्मीर में नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कश्मीरी पंडित आज यहाँ नहीं है, उनके लिए ये फिल्म अपने आप में सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और आने वाले समय में ऐसी जब बर्बरता कभी हो, तो हमें हिंसा के प्रति खड़ा भी होना चाहिए और लोगों का साथ पूरे देश का लोग मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये मूवी का संदेश है। इसको छुपाने का काम देश में जो सरकारें लंबे समय तक रही, उन्होंने छुपाने का काम किया। इस फिल्म के माध्यम से वो सच्चाई उजागर देश के सामने हुई। इसलिए इस मूवी को देख करके पूरे देश और दुनिया को इस बात का एहसास भी हुआ, जानकारी प्राप्त हुई किस प्रकार से कुछ धर्म के लोगों ने हिंदू समाज के लोगों के साथ, कश्मीर के पंडितों के साथ जो अन्याय किया, कितना दुर्दांत था, कितना कष्टदायक था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटा करके और देश में जिस प्रकार से कश्मीर को लेकर के आतंकवादी लोग और दुनिया के कुछ राष्ट्र इस प्रकार के काम करते थे, उनके तमाचे माने का काम किया। निश्चित तौर पर हमारे जो इस मूवी को देखने के बाद में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ, वो हमारे वहाँ पर जाकर के अपना घर में वापस लौटेंगे। और इस सच्चाई के माध्यम से जो निर्देशक है, निर्माता है, वो बधाई के पात्र में सच्चाई को जाकर देता हूँ। निर्माता अपने ग्वालियर के, ये निर्देशक डायरेक्टर जो है, सबके लिए खुशी की बात है। हमारे ग्वालियर के हैं और उन्होंने इस बखूबी सच्चाई को सबके सामने लाने का प्रयास किया, वो वास्तव में अभिनंदनीय है। और प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। द कश्मीर फाइल मूवी देखने के लिए आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के सुपुत्र श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी के आह्वान पर संपूर्ण शहर एवं ग्रामीण के लोगों ने आज द कश्मीर फाइल मूवी का देखा। वास्तव में जो इस मूवी में चित्रण किया गया है, वो कश्मीर का दर्द है। कश्मीरी पंडितों में जो अत्याचार हुए और जिस समय दोनों सरकारों की विफलता कूट कूट के प्रदर्शित की गई है कि सरकारों के पंडितों पर हो रहे अत्याचारों को किस प्रकार से अनभिज्ञ रहे और पंडितों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 370 धारा को कश्मीर से ख़त्म करके पुनः विस्थापित करने का जो रास्ता साफ किया है, वे धन्यवाद के पात्र है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आदरणीय डोभाल जी की रणनीति के माध्यम से जो कदम उठाए हैं, वो निश्चित तौर पर कश्मीर को मजबूत करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर में ये पिक्चर देखने के बाद पता लगा है कि कश्मीरी पंडितों पर और हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ है। निश्चित रूप से आज हम लोगों को पता लगा और देशवासियों को पता लगा जब हम ये पिक्चर देख रहे, बहुत आतंक था, मैं इसकी निंदा करता हूँ।